शुभ मुहूर्त में नामांकन कराने की होड़, घंटों जाम से जूझता रहा मोकामा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वालों की भारी भीड़ मोकामा और घुसवाड़ी प्रखंड में देखने को मिले। खासकर गुरुवार को शुभ मुहूर्त में नामांकन कराने की होड़ रही। मुखिया पद के लिए नामांकन कराने पहुंचे अभ्यर्थियों का उत्साह देखने को बनता है। सैकड़ों वाहनों के काफिले और हजारों समर्थकों की उत्साही भीड़ अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में गगनभेदी नारे लगाते दिखे, और जैसे ही नामांकन पत्र दाखिल कर उम्मीदवार प्रखंड कार्यालय से बाहर निकलते हैं, उन्हें फूल मालाओं से लादने की आपाधापी भी रही। चुनावी उत्सव का आनंद इन दिनों मोकामा और घोसवड़ी प्रखंड में जोरों पर है। हालांकि गुरुवार को एक साथ कई कदावार उम्मीदवारों ने नामांकन कराने के कारण मोकामा में पूरे दिन जाम की भयावह स्थिति रही। शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर वाहनों का रैला रहा, और नज़र जहां तक जाए वहां तक सिर्फ जोशीले नारे लगाते समर्थकों का उत्साह देखने को मिला। पंचायत चुनाव में किस्मत आजमा रहे सभी उम्मीदवारों की कोशिश है कि वे नामांकन के साथ ही अपना शक्ति प्रदर्शन भी प्रतिद्वंदियों को दिखाएं। इसलिए गुरुवार का दिन न सिर्फ नामांकन के लिहाज से सर्वाधिक रहा, बल्कि लोकतंत्र के महामहोत्सव पंचायत चुनाव में जनभागीदारी भी चरम पर दिखी। इन सबके बीच समर्थकों के आवाभगत में भी उम्मीदवार लगे रहे, और न सिर्फ उनके आने जाने बल्कि भोजन भात कर राजसी इंतजाम करते दिखे। नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला 1 नवंबर तक चलेगा। तब तक लोगों का सेवक बनने का दावा करने वाले मुखिया और अन्य पदों के अभ्यर्थियों की ओर से शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा। बना जाता है उसी भवन में है। प्रखंड कार्यालय के गेट के पास मुखिया पद के लिए हेल्पडेस्क बनाया गया है, वहाँ मुखिया पद के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरपंच के लिए कोषागार भवन के पास हेल्पडेस्क बनाया गया है। कृपया